ओके, तो अभी तीन एपीयूज लॉन्च हुए हैं, 8500G, 8600G और 8700G। बहुत सारे लोग इन तीनों की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन तीनों में जो सबसे बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल एपीयू है वो ये वाला एपीयू है 8500G। लेकिन अगर आप चाहें तो 8600G के साथ भी जा सकते हैं, बाकी की सारी चीजें वही रहेगी सिस्टम बिल्ड में, सिर्फ आपको सीपीयू चेंज करना है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपको Zen 4 की 4 कोर मिलेगी और Zen 4 C की 2 कोर मिलेगी, यानी कि टोटल आपको 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा। प्लस आपको इसमें रेडियन के 740M ग्राफिक्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसका जो ऑनबोर्ड जीपीयू है वो मेजॉरिटी कंडीशन में मेजॉरिटी यूजर्स के लिए काफी होता है, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है या प्रोडक्टिविटी टाइप का कुछ वर्क करना है तो आपको डेफिनेटली जीपीयू ऐड करना पड़ेगा। ये ASUS का 620 वाला मदरबोर्ड है जो कि 13,500 में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसमें सिर्फ ₹1,000 ज्यादा डाल के आपको 14,500 में MSI का B650 वाला मदरबोर्ड लेना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी जो पावर डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के VRM कंपोनेंट लगे हुए हैं। प्लस आपको इसमें 2 M.2 और 2 NVMe स्लॉट भी मिल जाएगा, जो ऊपर वाला है उसके साथ तो हीट सिंक भी मिलती है। उसमें आप एक अच्छी क्वालिटी की Zen 4 वाली SSD लगा लो बूट ड्राइव के लिए, और दूसरे स्लॉट में डेटा ड्राइव के लिए भी एक बजट क्वालिटी की SSD लगा सकते हो। CPU के स्लॉट में आपका CPU लग जाएगा, ये जो X16 स्लॉट है PCI Express का उसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड लग जाएगा, ये जो X1 है उसमें कोई एक्सपांशन कार्ड लग जाएगा। इस मदरबोर्ड पे आपको 4 USB की हेडर मिलती है, 2 है वो USB 2.0 वाली है, ये USB 3.0 वाली है और ये भी USB 3.0 वाली है। 2 RAM के स्लॉट मिल जाते हैं जिसमें आप एक पूरी RAM किट लगा सकते हो, और बैक पैनल में आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा, HDMI मिल जाएगा, USB टाइप C पोर्ट भी मिल जाएगा, उसके साथ आपको USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट भी मिल जाएगा, दूसरे 2 USB 3.0 मिल जाएंगे, 2 और USB 2.0 मिल जाएंगे, उसके साथ आपको LAN पोर्ट मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनबोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट। इसमें आपको वाईफाई 6 का भी सपोर्ट मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया है, और लास्ट में ऑडियो के कनेक्टर मिल जाएंगे। तो ये मदरबोर्ड मेरे हिसाब से 8500G, 8600G, Ryzen 7000 सीरीज का 7500F, 7600 और 7600X इन सब के लिए बहुत बढ़िया है। और फॉर व्हाटएवर रीजन वो मदरबोर्ड आपको नहीं पसंद आता है या उसकी प्राइस ज्यादा लगती है, तो ये जो मदरबोर्ड है MSI का B650 वाला मदरबोर्ड है, ये भी बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है। अभी ये डील में चल रहा है उसकी वजह से इसकी प्राइस है 14,300 के आसपास। इसकी पावर डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, तो फ्यूचर में 9000 या 10000 सीरीज के CPU पे भी अपग्रेड करते हो तब भी कोई इश्यू नहीं आएगा। इसमें आपको ऑनबोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रैम के 4 स्लॉट मिलेंगे, और बैक पैनल में आपको USB 3.2 Gen 2 के भी 2 पोर्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको 10 Gbps की स्पीड मिलेगी। ये जितने भी APUs अभी लॉन्च हुए हैं उनके साथ उनका AMD का स्टॉक कूलर आता है जो कि मेजॉरिटी कंडीशन में काफी होता है, तो अभी आप उस स्टॉक कूलर के साथ सिस्टम बना लीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि वो कूलर कैसा काम करता है, ओवरहीटिंग का कोई इश्यू होता है या नहीं, या जो उसका स्टॉक कूलर का जो फैन है वो ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, आपको एनोइंग लगता है, तो फिर लेटर ऑन ऐसा एक आफ्टर मार्केट कूलर लेके भी आप सिस्टम में ऐड कर सकते हो। कोई यूजर ऐसा है कि उसकी रिक्वायरमेंट कम है, बजट भी कम है, उसे 8GB की ही जरूरत है, तो वो 8GB की DDR5 सिंगल स्टिक लेके भी सिस्टम में लगा सकता है। लेकिन मैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए और गेमिंग को ध्यान में रखते हुए एक 16GB की पूरी किट परचेज करूंगा जिसमें 8 GB के 2 मॉड्यूल होंगे, 5200 MHz उसकी फ्रीक्वेंसी है और CL36 लेटेंसी है, जिसकी प्राइस अभी Amazon पे 6,500 के आसपास है, लेकिन उस पे 735 का कूपन चल रहा है, उसकी वजह से इसकी प्राइस हो जाती है 5800 के आसपास, ठीक है। अगर आपकी रैम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसमें ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है, तो 32GB की आपको रैम किट परचेज करनी चाहिए, 16 GB के 2 मॉड्यूल है जो अभी आपको 10,800 में मिल जाएगी, 6,000 MHz वाली रैम है और CL30 की रैम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और लेटेंसी बहुत कम है और AMD एक्सपो सर्टिफाइड है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगी इस पर्टिकुलर बिल्ड के लिए। और अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको 32GB की RGB किट चाहिए तो आपको इसके साथ जाना चाहिए, ₹12,750 में आपको 32GB की किट मिल जाएगी। जी स्किल की RGB किट है, AMD एक्सपो सर्टिफाइड है, 32GB, 16 GB के 2 मॉड्यूल, 6,000 MHz की फ्रीक्वेंसी और CL30 पे चलती है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है, चाहे हम गेमिंग की बात करें प्रोडक्टिविटी की बात करें। अब SSD के लिए मैंने सिलेक्ट की है XPG की S70 ब्लेड 1 TB वाला मॉडल जो अभी 8,000 के आसपास चल रही है। Gen 4 की SSD है, Gen 4 की फाइनेस्ट क्वालिटी की SSD जो कि 7400 MB को भी टच करेगी। TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, DRAM का भी सपोर्ट है, 600 TB का TDW रेटिंग है, 5 साल की वारंटी है। और अगर आपका SSD का बजट उससे भी कम है तो आप इस SSD के साथ जा सकते हो। WD की SN770, 1 TB की SSD है, 5GB के आसपास परफॉर्म करती है, TLC NAND फ्लैश मेमोरी है, DRAM लेस है, HMB का सपोर्ट मिलेगा आपको, 600 TB का TDW रेटिंग मिलेगा। और उससे भी अगर आपका बजट कम है तो आप SN580 के साथ भी जा सकते हो, 500GB की SSD आपको 3,500 से 4,000 में मिल जाएगी। अब पावर सप्लाई में एज ऑलवेज जैसे मैं कहता हूँ कि अभी आप APU के साथ सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, ऑनबोर्ड GPU यूज करने वाले हो, फ्यूचर में GPU नहीं लगाने वाले हो, तो 450 वॉट का पावर सप्लाई भी मेजॉरिटी कंडीशन में काफी होगा। लेकिन अभी आप APU के साथ सिस्टम बिल्ड कर रहे हो और फ्यूचर में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगवाने वाले हो, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको 650 वॉट के पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए। अब केस की जहां तक बात है, इसका सिलेक्शन कंप्लीटली मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर केस के साथ भी जा सकते हैं, इसका जो व्हाइट वाला वर्जन है उसके साथ भी जा सकते हैं। ये जो गैलेक्स का केस है मुझे बहुत बढ़िया लगता है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। बिल्कुल कम से कम बजट में हमने AM5 सॉकेट पे और AMD 8000 सीरीज के APUs पे सिस्टम
बिल्ड किया है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 8500G की जगह पे आप 8600G के साथ भी सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, सिर्फ CPU चेंज होगा, बाकी की सारी चीजें वही रहेगी। जितने भी पार्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में रेकमेंड किए हैं उन सब की मैंने Amazon की विश लिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।